नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑप्टिमम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल में। आज मैं आपको विटामिन ई के हमारे शरीर पर हैरान कर देने वाले प्रभाव के बारे में बताऊंगा। नंबर वन बेनिफिट है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग एक्ने। आपको क्या करना है, आपको एक विटामिन ई कैप्सूल को काट कर एक बाउल के अंदर कलेक्ट कर लेना है और उसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप टी ट्री ऑयल की डालनी है और इसे रोज रात सोने से पहले अपने जो भी आपकी एक्नी है, पिंपल है, उसके ऊपर लगाना है। आपको करीब 3 से 4 दिन के अंदर ही इसका असर दिखने लग जाएगा। और उसका रीज़न ये होता है कि विटामिन ई के अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और टी ट्री ऑयल एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के से युक्त होता है और टी ट्री ऑयल बैक्टीरियाज को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। नंबर 2 बेनिफिट है, इट हेल्प्स इन फिलिंग दी एक्नी स्कार्स। एक्नी या पिंपल्स के फट जाने की वजह से कई बार हमारे मुंह पर एक्नी के निशान रह जाते हैं, एक्नी स्कार्स बन जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें अगेन एक कैप्सूल को काट कर एक बॉल में लेकर फिर इसे रोज रात को सोने से पहले अपने एक्नी स्कार्स के ऊपर लगाना है। विटामिन ई स्किन के नीचे जो कॉलेजन होता है, जो कि सपलनेस देता है स्किन को, उसके प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो गड्ढे होते हैं, एक्नी स्कार्स होते हैं, उन्हें भरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नंबर 3 बेनिफिट है, इट कंट्रोल्स एंड इम्प्रूव्स कोलेस्ट्रॉल। विटामिन ई के अंदर कंपोनेंट है जिसे हम टोकोट्राइनॉल आइसोमर भी कहते हैं। ये बॉडी में प्रोटेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। नंबर 4 बेनिफिट है, इट स्लोज एजिंग। जैसे कि हम जानते हैं विटामिन ई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, वो हमारे बॉडी में जो सेल डैमेज होता है उसको कम करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं और सेल्स को रिजुविनेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारे जो एजिंग प्रोसेस होता है, बूढ़े होने का प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है, यानी कि स्लो हो जाता है। नंबर 5 बेनिफिट है, इट थिकेंस हेयर। विटामिन ई ऑयल आपके बालों में नेचुरल मॉइस्चर को मेंटेन करता है और स्कैल्प को रूखा नहीं होने देता एंड उन्हें अंदर से नरिश करता है और उनकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। नंबर 6 बेनिफिट है, इट बैलेंसेस हार्मोन्स। इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट पाए गए हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को काम करते हैं, यानी कि शांत करते हैं और आपके उसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको वो बैलेंस आउट करते हैं, एक सिंक के अंदर वो बॉडी में वर्क करते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट बेनिफिट है, इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी। अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट, विटामिन ई बॉडी में टॉक्सिस को ख़त्म करता है, बॉडी को स्ट्रेस से रिकवर करने में हेल्प करता है, जिससे इन रिटर्न हमारी इम्यूनिटी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो दोस्तों, ये सब हैं विटामिन ई के बेनिफिट्स। इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप अपने विटामिन एंड मिनरल्स को न्यूट्रिशनस फूड से पूरा करें और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने डॉक्टर से पहले सलाह करके ही कोई सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव वीडियोज़ आती रहें। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ राज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।